वर्तमान समय में कई लोग विदेश यात्रा या विदेश में बसने का सपना देखते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इस सपने को पूरा करना हमारे हाथ में नहीं होता है। खासकर आजकल की नौजवान पीढ़ी बहुत जल्दी से बहुत सारा पैसा कमाना चाहती है। कुछ लोग विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, कुछ लोग विदेश में नौकरी करने के लिए जाना चाहते हैं, और कुछ लोग तो विदेश में अपना खुद का व्यापार या बिजनेस करने का सपना रखते हैं। और आजकल कई व्यक्ति तो विदेश केवल घूमने जाते हैं, किंतु व्यक्ति के सारे सपने टूट जाते हैं जब वीसा रिजेक्ट हो जाता है। तब उस व्यक्ति का न सिर्फ पैसा एवं वक्त खराब होता है, बल्कि उसका विदेश जाने का सपना भी चूर चूर हो जाता है। तो एक बार इस वीडियो को आगे जरूर देखें और जाने ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप विदेश जाने का या फिर विदेश में बसने के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, शुरू करते हैं कुछ सटीक ज्योतिष उपाय जो आपकी विदेश जाने की मनोकामना को पूरा करेंगे। मित्रों, बात करते हैं प्रथम ज्योतिष उपाय की। सबसे पहले जानते हैं कि काल पुरुष की कुंडली क्या होती है। दोस्तों, काल पुरुष की कुंडली वो होती है जो मेष राशि से शुरू होती है, या यूं कहें कि जिस कुंडली में मेष राशि लग्न में होती है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली पर नजर डालें तो पता चलेगा कि इसमें नवा भाव धनु राशि है और बाहरवा भाव मीन राशि है। नवा भाव होता है किस्मत का और लंबी दूरी की यात्रा का, और बाहरवा भाव होता है विदेश का। इन दोनों के स्वामी यानी धनु राशि के एवं मीन राशि के बृहस्पति ग्रह हैं, जिनको मजबूत करना अति आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले पुखराज या येलो सफायर पहने, किंतु उसे पहले ज्योतिष परामर्श अवश्य लें। राहु ग्रह भी विदेश में यात्रा या फिर विदेश में बसने के लिए कारक ग्रह है, इसलिए आप गोमेद या हेसनाइक पहन सकते हैं, किंतु केवल ज्योतिष परामर्श के बाद। विदेश जाने में अगर बार बार अड़चने आ रही हैं, तब आप लगातार कम से कम 5 शनिवार शनि जी पर तेल चढ़ाएं एवं शनि जी का मंत्र करें। राहु यंत्र से बना लॉकेट भी आपका विदेश जाने का सपना पूरा करने में सहायक होगा। शनिवार के दिन कुष्ठ रोगियों को उड़द दाल एवं नारियल दान करें। ऐसा करने से राहु ग्रह एवं शनि ग्रह प्रसन्न होते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है। राहु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जाता है। आप चाहें तो 8 मुखी रुद्राक्ष की माला बनवाकर हाथ में पहन लें या गले में भी पहन सकते हैं। यह उपाय रुकावटों को दूर कर आपको विदेश ले जाने में सहायक होगा। तो मित्रों, अगर आप ऊपर बताए गए उपाय करते हैं तो बहुत जल्दी एवं बहुत आसानी से आपको विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा और आप अपने परिवार के साथ एक सुखमय जीवन व्यतीत कर पाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कृपया मेरे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।